मैंने आप लोगों को सेकंड मेथड तक बताया था, जिसमें फर्स्ट मेथड ये था कि अगर राइट हैंड पर्टिकुलर निकाल इंटीग्रल निकालने के लिए कि अगर राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यानी e टू द पावर ए एक्स या e टू द पावर ए एक्स प्लस बी या कांस्टेंट है तो उसमें फर्स्ट मेथड अप्लाई होगा। और सेकंड मेथड के लिए ये था कि अगर साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स या साइन ए एक्स प्लस बी या कॉस ए एक्स प्लस बी अगर है तो उसमें आप सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे। इसके बाद आता है थर्ड मेथड। थर्ड मेथड वहां पे अप्लाई करते हैं जहां पे आपका एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, और एल्जेब्रिक में एक्स की पावर एन के फॉर्म में अगर है, यहाँ पे एन जो है वो कांस्टेंट है, कि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब है या एक्स स्क्वायर है या एक्स की पावर 4 है तो उस केस में हम यहाँ पे थर्ड मेथड अप्लाई करते हैं। इस मेथड के लिए हमारे पास जो हम लोगों ने इंटरमीडिएट में बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा है उसमें दो फार्मूले थे, एक था 1 + x का होल इनवर्स जिसका फार्मूला था 1 - x + x² - x³ + x³ - up to so on infinity। दूसरा फार्मूला था 1 - x² 1 + x + x² + x³ + x³ फंक्शन के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्स है, सपोज दैट फंक्शन है फंक्शन ऑफ एक्स का होल इनवर्स, इट मींस दैट यहाँ पे हमें 1 लाना होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन है तो एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए कांस्टेंट टर्म देखते हैं, और अगर कांस्टेंट टर्म के आगे माइनस साइन लगा है तो उस माइनस साइन को भी कॉमन लेंगे। और ये तो पहली चीज है। दूसरी चीज, कांस्टेंट टर्म नहीं है मिनिमम पावर वाला टर्म कॉमन लेंगे, और अगर डी की मिनिमम पावर वाले टर्म के आगे माइनस साइन लगा है तो उस माइनस साइन को भी कॉमन लेंगे, क्योंकि हमको इस फॉर्म में बनाना होता है 1 पॉजिटिव है इसलिए 1 लाना होता है हर केस में। तो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है कि मान लेते हैं यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे देखा कि फंक्शन ऑफ डी क्या है, d² + 3d + 2, तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हमने कॉमन लिया, ऊपर ले लिया है तो हो गया 1 + d² + 3d का होल इनवर्स एक्स। अब हमको देखेंगे तो अगर हम देखेंगे तो ये इस फॉर्म में है, 1 + x का होल इनवर्स के फॉर्म में ये फार्मूला बन गया है। अब हमको यहाँ पे इसको एक्सपेंड करना है, तो अब हमको इस यहाँ ये एक्सपेंड नहीं लिखेंगे एक्स स्क्वायर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 0 हो जाता है, इसलिए एक्स की जितनी पावर है उतने टर्म तक एक्सपेंड करेंगे। तो मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, 1 + x का होल इनवर्स के फॉर्म में है तो ये आ गया 1 - x, और इसके आगे ये है, क्यों? क्योंकि इसके आगे जो है ये एक्सपेंड नहीं होगा। अब इस एक्स को अंदर ले लेंगे, जब हम एक्स को अंदर लेंगे तो यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा d² x, ये हो जाएगा +3dx/2, और d² x का मतलब एक्स को 2 बार डिफरेंशिएट करना है तो 0 आएगा। कैसे ये आ गया, यानी आपका अगर कांस्टेंट टर्म है या कांस्टेंट टर्म के आगे माइनस साइन लगा है तो वो कॉमन लेंगे, और यहाँ पे एक्सपेंशन ये है कि एक्स की जितनी पावर होगी इतने टर्म तक एक्सपेंड करते हैं। फिर हम एक्स को अंदर ले लेते हैं और डिफरेंशिएट करके हमारा PI आ जाता है।
तो देखिए सर, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। सर एक्स की पावर फ्रैक्शन में नहीं आएगी? नहीं नहीं फ्रैक्शन में अगर आएगी तो उसके लिए दूसरा फार्मूला। वो होल नंबर हो, 1 2 3 4 इस टाइप से हो, तभी ये फार्मूला अप्लाई होगा। और अगर ये चीज इसके लिए मेथड अभी वो मैं हम करा देंगे आपको, हर टाइप के आप ये जो सात, क्योंकि यहाँ पे 6 मेथड है, अभी सारे फंक्शन सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। अभी हमने ये बताया है कि x की पावर n, जहां पे n कांस्टेंट है यानी होल नंबर, जहां की एग्जांपल के तौर पे भी लिख दिया है, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर इस टाइप के अगर है तो उसके लिए मेथड समझ में आया सर जी? नीचे से थर्ड लाइन है उसमें d को डिफरेंशिएट किया गया है या x को? नहीं, x को डिफरेंशिएट, d तो d बाय dx होता है, जो कैपिटल d है यहाँ पे, ये d बाय dx है। ये जब अभी आपने इतने न्यूमेरिकल किए CFPI के, तो हम लोग d जो कैपिटल d लिखते हैं वो d बाय dx को ही तो लिखते हैं। यस सर। हाँ, तो d2x का मतलब हो गया, d2x का मतलब x को दो बार डिफरेंशिएट करना है, समझ रहे हैं? dx का मतलब हो गया x को एक बार डिफरेंशिएट करना है। Yes, sir. अब इसके बाद एक और हम बताते हैं कि ये तो एक हमने ये नुमा, इसमें दो ही टाइप के आते हैं, या तो आपका कांस्टेंट टर्म होगा या कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, या कांस्टेंट टर्म के आगे माइनस साइन लगा होगा, बस यही चीज है। अगर यहाँ पे माइनस टू होता तो माइनस टू कॉमन ले लेते, तो यहाँ पे माइनस आ जाता, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाता। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे आपका कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म को कॉमन लेंगे, अगर कांस्टेंट टर्म के आगे माइनस साइन लगा है तो उस माइनस साइन को भी कॉमन लेंगे, लेकिन अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो डी की मिनिमम पावर वाला टर्म कॉमन लेंगे, और अगर d की मिनिमम पावर वाले टर्म के आगे माइनस साइन लगा है तो उस माइनस साइन को भी कॉमन लेंगे, क्योंकि हमको फार्मूले में रिड्यूस करना होता है और फार्मूले में जो वो वन है वो पॉजिटिव है, इसलिए इस चीज का हम लोग ध्यान रखते हैं। अब यहाँ पे वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस थ्री डी एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो इसके लिए यहाँ पे देखेंगे कि आपका फंक्शन ऑफ डी में क्या है, तो पता चलेगा कांस्टेंट टर्म नहीं है तो डी की मिनिमम पावर वाला टर्म कॉमन लेंगे, और उसके आगे माइनस पे लगा है तो माइनस भी कॉमन ले लेंगे, तो इस तरीके से आ जाएगा वन अपॉन वन माइनस डी स्क्वायर अपॉन थ्री डी। अब यहाँ पे डी डी कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा टर्म ऊपर चला जाएगा, तो देखिए ये हो गया ऊपर गया, और ये हो गया वन माइनस डी अपॉन थ्री का होल इनवर्स, और ये एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस डी अपॉन 3 का होल इनवर्स, ये इस फार्मूले जैसा है, 1 माइनस एक्स का होल इनवर्स जैसा, तो इसमें क्या होता है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप से चलता है। तो अब हमें यहाँ पे इसको एक्सपेंड करना है, तो मैंने बताया था x की जितनी पावर होगी उतने टर्म एक्सपेंड करना है, यानी x की पावर 2 है, x के प्लेस पे क्या है d बाई 3 है, तो ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1 प्लस डी बाई 3 प्लस डी बाई 3 का होल स्क्वायर x स्क्वायर, उसके आगे नहीं करेंगे। फिर इसको हमने ओपन कर दिया, डी स्क्वायर अपॉन 9 हो गया है। अब x स्क्वायर को अंदर लिया है, तो x स्क्वायर को अंदर लिया तो x स्क्वायर, ये डी एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस डी 2 एक्स स्क्वायर बाई 9। अब डी एक्स स्क्वायर बाई 3 का मतलब, डी एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया x स्क्वायर को एक बार डिफ्रेंशिएट करना, तो 2x हो जाएगा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर को डी टू एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर को दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो पहले 2x होगा फिर करेंगे फिर 2 हो जाएगा, तो इस तरीके चीज आएगी। और 1 अपॉन डी क्या होता है, इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेट कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3
और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, टू टू करोगे एक्स स्क्वायर बाई थ्री, और ये यहाँ पे टू बाई नाइन ये एक्स हो जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं ऐड होगा, क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल तो, क्योंकि वो कांस्टेंट सारे जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आ जाते हैं, इसलिए जितने ऑर्डर होते हैं उतने ही कांस्टेंट होते हैं, और वो सारे कांस्टेंट सी एफ में आ जाते हैं, इसलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल में जब भी इंटीग्रेट करेंगे कहीं पे भी पर्टिकुलर इंटीग्रल को, तो उसमें कांस्टेंट नहीं है। तो ये आपका पी आई आ गया है, तो आप इसको देख लीजिए। कांस्टेंट इसलिए नहीं ऑर्डर होता है क्योंकि जो अगर क्लास होती तो पूरे मेथड को हम समझाते कि क्यों नहीं होता है, समझ बता भी देंगे, उसके लिए पूरा एक लेक्चर लगेगा। लेकिन आप इतना जानिए कि वो कांस्टेंट जो होते हैं सारे उसमें आ जाते हैं, किसमें? पर्टिकुलर उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, और जितना कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो जितने ऑर्डर की होती है उतने ही कांस्टेंट होते हैं, और वो सारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आ जाते हैं, इसलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल में कांस्टेंट नहीं होता है, इट इज ए फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। प्रॉब्लम है तो पूछिए। कहाँ पे बेटा? ये पहले वाले न्यूमेरिकल एकदम शुरू से बता दिए। अच्छा अच्छा देखिए मैं फिर से एक बार और समझा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। सबसे पहले ये होता है कि मैं दो मेथड आपको बता चुका, ये तीसरा मेथड बता रहे हैं। इस पीआई में छह मेथड है जिसमें ये थर्ड मेथड आपको बता रहे हैं। तो थर्ड मेथड में ये है कि अगर आपका राइट हैंड साइड में एलजेब्रिक फंक्शन है और एलजेब्रिक फंक्शन भी क्यूब एक्स स्क्वायर या एक्स हो, एक्स की पावर वन हो, तो उस केस में हम यहाँ पे थर्ड मेथड को अप्लाई करते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि अगर आपका एलजेब्रिक फंक्शन है, जो फंक्शन ऑफ डी है, उसमें दो चीजें देखते हैं। ये देखते हैं कि इसमें कॉन्स्टेंट टर्म है या नहीं है, और अगर कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म को हम कॉमन ले लेते हैं। अगर कांस्टेंट टर्म के आगे माइनस साइन लगा है तो उस माइनस साइन को भी साथ में कॉमन लेंगे। क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि हमको इस फार्मूले में रिड्यूस करना होता है, या तो ये फार्मूला अप्लाई होगा या ये फार्मूला अप्लाई होगा। इस तरीके से इन्हीं दोनों फार्मूले में कोई एक फार्मूला अप्लाई होगा, इसलिए हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे 2 है, 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 3d अपॉन 2। अब ये आ गया है, अब देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे पूरे टर्म को, तो इनवर्स होल इनवर्स हो जाएगा ये। अब जब होल इनवर्स हो गया है तो देख रहे हैं ये पहले वाले फार्मूले की तरह है। अब इसको एक्सपेंड करना है, तो हमें करना कहाँ था एक्सपेंड है, वो भी है कि एक्स की जितनी पावर होगी उतने टर्म तक एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, यानी x की पावर 1 तक एक्सपेंड कर देना है, लेकिन यहाँ पे ये x जो है वो d स्क्वायर प्लस 3d बाई 2 है। तो इस तरीके से इसको हमने एक्सपेंड कर दिया है। अब इसको x को अंदर ले लेंगे तो ये x हो जाएगा, ये d2x टू एक्स प्लस 3dx अपॉन 2। d2x का मतलब x को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा, दोबारा कर देंगे 0 आ जाएगा। इसी तरीके से dx का मतलब हो गया x को 1 टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 3 बच गया, और ये आ गया pi। हम पावर वाला टर्म कॉमन लेते हैं, उसमें आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है लास्ट में। देखिए समझिए फिर आगे बताएं।
यहाँ पे वन माइनस डी बाई थ्री जब होल इनवर्स में गया है तो ये स्क्वायर रहेगा ना, वन माइनस डी स्क्वायर बाई थ्री। कहाँ पे बेटा? यहाँ 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 पे और ऊपर एक एक दो स्टेप और इधर। हाँ यहाँ यहाँ मतलब एक्स स्क्वायर को अंदर ले लेंगे और एक स्टेप पीछे ये। यस सर यस सर, ये मतलब होल इनवर्स हुआ है तो ऊपर वन माइनस डी स्क्वायर बाई थ्री डी है भाई। इस पूरे टर्म को ऊपर लेंगे तो इनवर्स नहीं हो जाएगा होल इनवर्स। वन माइनस डी स्क्वायर अपॉन वन डी डी तो कैंसिल हो जाएगा तो वन माइनस डी बाई थ्री है तो पूरा टर्म ऊपर जाएगा ये तो होल इनवर्स हो जाएगा। ये तो मालूम होगा आपको, ये वन अपॉन है। ठीक है ठीक। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो इस न्यूमेरिकल में? ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है समझाने के लिए और इसी तरीके से न्यूमेरिकल आपके सॉल्व होंगे। अगर ये हो गया हो तो आगे हम बताएं न्यूमेरिकल। यस सर बताइए। ओके अब नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल आपको हम समझा रहे हैं। जैसे लिखा है ये क्वेश्चन नंबर है, फर्स्ट सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई इज इक्वल टू दी एक्स स्क्वायर। ये हमको सॉल्व करना डिफरेंशियल इक्वेशन को, इसका मतलब ये है इसमें सी एफ भी निकालना है पी आई भी निकालना है। तो सबसे पहले इसको कैपिटल डी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, हो जाएगा डी स्क्वायर वाई माइनस फोर वाई इज इक्वल टू दी एक्स स्क्वायर। फिर वाई को ले लेंगे कॉमन तो हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस फोर y is equal to x square। अब यहाँ पे लिखेंगे here auxiliary equation is m square minus 4 equal to 0, यानी m square is equal to the 4, तो m is equal to the plus minus 2, यानी एक 2 आ गया दूसरा minus 2 आ गया। तो complementary function हो गया c1 e की power 2x plus c2 e की power minus 2x। अब pi देखिए तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ डी क्या है, डी स्क्वायर माइनस फोर, तो पी आई हो जाएगा वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर। अब जब ये एक्स स्क्वायर हो गया है, अब यहाँ पे क्या है एलजेब्रिक फंक्शन है, तो एलजेब्रिक फंक्शन के लिए नीचे देखते कांस्टेंट टर्म है कि नहीं है। अगर कांस्टेंट टर्म है तो कॉमन ले लेंगे, और अगर कांस्टेंट टर्म के आगे माइनस साइन लगा है तो उस माइनस साइन को भी कॉमन लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे माइनस फोर हमने कॉमन ले लिया है तो हो गया है वन माइनस डी स्क्वायर अपॉन फोर। इस पूरे टर्म को ऊपर ले लिया है तो आएगा वन माइनस डी स्क्वायर अपॉन फोर का होल इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अगर हम देखें तो ये फार्मूला जो है वन माइनस एक्स का होल इनवर्स के फॉर्म में है, तो इसका क्या होता है वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर फोर। तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा वन प्लस डी स्क्वायर बाई फोर और प्लस डी स्क्वायर बाई फोर का होल स्क्वायर। तो एक्स की जितनी पावर है उतने टर्म तो एक्सपेंड हो गया है। अब यहाँ पे हमने डी स्क्वायर बाई फोर का होल स्क्वायर है तो लिख दिया वन प्लस डी स्क्वायर बाई फोर प्लस डी की पावर फोर अपॉन सिक्सटीन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को ले लिया अंदर तो एक्स स्क्वायर प्लस डी टू एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस डी की पावर फोर एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन। अब ये हो गया माइनस वन बाई फोर, ये एक्स स्क्वायर हो गया है। अब एक्स स्क्वायर को दो बार डिफरेंशिएट किया तो पहली बार किया करेंगे टू एक्स आ जाएगा, दोबारा कर देंगे टू आ जाएगा तो टू अपॉन फोर यानी वन बाई टू। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर को चार बार डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आ गया है। अब इसको ऐड करके लिख देंगे देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज y is equal to the cf plus pi, यानी y is equal to c1 e की पावर 2x plus c2 e की पावर 1 by 4 और ब्रैकेट में x square plus 2। तो इसको देखिए बेटा, समझिए कहीं कोई प्रॉब्लम है तो जब pi equal to 0 ले हाँ साइड में 0 होता था। अब राइट हैंड साइड में ये है आपका फंक्शन ऑफ एक्स है, इसलिए अब मेथड अप्लाई होते हैं जब जीरो।
और किसी को कोई प्रॉब्लम हो इस न्यूमेरिकल में पूछिए। नहीं सर। ठीक, तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल हैं। अब आपको और न्यूमेरिकल आपके हम उस पे ग्रुप पे डाल देंगे, उसको करिएगा और उसके साथ में आंसर भी डाल देंगे ताकि उसको करिए और वहीं पे आप सेटिस्फाई हो जाइए। अब नेक्स्ट आता है फोर्थ मेथड। अब फोर्थ मेथड को समझिए। फोर्थ मेथड में क्या है कि अगर r के प्लेस पे यानी राइट हैंड साइड में e टू द पावर ए एक्स इंटू फाइव एक्स है यानी एक्सपोनेंशियल के साथ में, या e टू द पावर ए एक्स प्लस बी इंटू फाइव एक्स यानी एक्सपोनेंशियल के साथ में कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई है, एक्सपोनेंशियल के साथ में कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई है तो उस केस में हम फोर्थ मेथड अप्लाई करते हैं। अब फोर्थ मेथड में क्या होता है, पी आई इज इक्वल टू दी वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी और ये हो गया ई टू दी पावर ए एक्स इंटू फाइव एक्स। तो यहां पे जब भी आप क्या क्या होगा कि राइट हैंड साइड में आपका एक्सपोनेंशियल के साथ में कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई है तो उस केस में यानी e की पावर ए एक्स या फाइव एक्स या e टू दी पावर ए एक्स प्लस बी इंटू फाइव एक्स, तो यहाँ पे हम काम क्या करते हैं कि एक्सपोनेंशियल को बाहर ले लेते हैं, बिल्कुल बाहर ले लेते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं और d वाले फंक्शन में जहां जहां d है वहां वहां d प्लस a लिख देते हैं। यही आपका फोर्थ मेथड है, जहां जहां d है वहां वहां d प्लस a लिख देंगे और 5x। अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है तो 5x में क्या होता है, 5x में या तो आपका sin ax होगा या cos ax होगा या sin ax प्लस b होगा या cos ax प्लस b होगा, और दूसरी चीज अगर ये नहीं होगा तो एलजेब्रिक फंक्शन होगा यानी x। तो अगर ये आता है तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, सेकेंड मेथड अप्लाई कर देंगे और सेकेंड मेथड आपको हमने कल बताया है, और अगर ये आ जाएगा तो इसके अंदर आप थर्ड मेथड अप्लाई कर देंगे और थर्ड मेथड अभी ही बताया है, तो इस तरीके से ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। यही आपका फोर्थ मेथड है। इस पे एक हम आपको न्यूमेरिकल करा से आसान, इसमें सेकंड और फोर्थ मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए सर, जैसा एक क्वेश्चन है आपको हम करवाते हैं। मेथड में क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल के साथ में कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई करे, लेकिन यहाँ पे आपके उसमें जो है सिर्फ दो ही फंक्शन अभी तक हमने पढ़ा, ब्रैकेट के साइन, आप उसमें सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे और अगर आपका एक्स क्यूब या एक्स स्क्वायर या एक्स आता है तो उसके अंदर थर्ड मेथड अप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से प्लस टू वाई इज इक्वल टू दी एक्स ई टू दी पावर थ्री एक्स और ये हो जाएगा एक्स।
और इसको हमें यहाँ पे सोल्यूशन में इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई माइनस थ्री डी वाई और प्लस टू वाई इज इक्वल टू दी एक्स ई टू दी पावर थ्री एक्स प्लस साइन टू एक्स, यानी ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू वाई इज इक्वल टू दी एक्स ई टू दी पावर थ्री एक्स प्लस साइन टू एक्स। अब यहाँ पे लिखेंगे हेयर auxiliary equation is ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू इक्वल टू जीरो, एम के रूट निकालेंगे तो वन और टू आएंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई की पावर टू एक्स, और पी आई आपका हो जाएगा आपका वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू, ये हो जाएगा एक्स ई की पावर थ्री एक्स प्लस साइन टू एक्स। ये क्वेश्चन हमने किया है, यहां तक समझ में आया है? यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे बताएं। यस सर। अब यहाँ पे पी आई में क्या है, दो फंक्शन है, तो दोनों एक फंक्शन में एक्स ई की पावर थ्री एक्स है और दूसरे फंक्शन में साइन टू एक्स है। यहाँ पे अगर पहले टर्म में देखें तो इसको हम ब्रेक करेंगे अलग अलग, यानी ये हो जाएगा वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू और ये हो जाएगा एक्स ई की पावर थ्री एक्स प्लस वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस थ्री डी प्लस टू और ये हो जाएगा आपका साइन टू एक्स। अब यहां पे देखेंगे पहले में कि एक्स इंटू इक्वल थ्री एक्स है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में एल्जेब्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई है। मैंने आपको बताया है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में कोई भी फंक्शन अगर मल्टीप्लाई होगा तो उसमें आप फोर्थ मेथड अप्लाई करेंगे और फोर्थ मेथड के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल को हम बाहर करेंगे, जहां जहां डी है वहां वहां डी प्लस ए रखेंगे। ए है क्या, एक्सपोनेंशियल में जो एक्स का कोफिशियंट है वो ए। यहां पे देखिए वही चीज है कि यहां पे एक्सपोनेंशियल को हम बाहर करेंगे तो हमने कर दिया इसको बाहर, अब इसमें जहां जहां डी है वहां वहां डी प्लस थ्री होगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल में जो एक्स का कोफिशियंट है थ्री, तो जहां जहां डी है वहां वहां डी प्लस थ्री हो जाएगा और अंदर ये एल्जेब्रिक फंक्शन हो जाएगा। इसी चीज को, यही आपका फोर्थ मेथड है। अब यानी यहाँ पे लिखेंगे पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू दी माइनस टू का स्क्वायर यानी माइनस फोर, तो जब हम ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वन अपॉन माइनस फोर माइनस थ्री डी प्लस टू और ये हो जाएगा साइन टू एक्स। अब इसको हम ओपन कर देंगे, अब ई की पावर थ्री एक्स से कोई मतलब नहीं है तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस नाइन प्लस सिक्स डी माइनस थ्री डी और माइनस नाइन और प्लस टू